नमस्ते बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एज पर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें एक टर्म आ रही है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन। आप एक एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टाइप है लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो हम इसको रीराइट कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे 2x पावर 1, 5 के साथ हम लिख सकते हैं 5x पावर 0, राइट ना, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x पावर 1 प्लस 5x पावर 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, x की पावर है यहाँ पे 1, 2x के लिए पावर है 1 और 5x के लिए पावर है 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 1। तो जब भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये एग्जांपल देख लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको हम फिर से लिख सकते हैं 2x पावर 2 प्लस 5x पावर 1 प्लस 9x पावर 0 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2x जो टर्म है इसमें वेरिएबल है x, उसकी पावर है 2। यहाँ पे 5x की जो टर्म है इसमें पावर है वेरिएबल की 1, और ये 9 की जो टर्म है कांस्टेंट टर्म उसकी पावर है 0, वेरिएबल की पावर है 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल की, 2। तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल तो समझ ही गए होंगे क्या होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल में या जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 1 एंड 1x पावर 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, जब भी आप मैथ्स का कोई प्रॉब्लम करते हो तो आपको स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना है। अगर आप स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करते हो, तो आपको आंसर कभी गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम समझ लेते हैं। ये फॉर्म आपने ऑलरेडी पॉलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर है 10th CBSE का उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा, फिर भी अभी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें हर एक टर्म्स को हम समझ लेते हैं। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर का, ये हो गया एक्स का टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, राइट ना। पावर ऐसे कम होती जाएगी, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। तो इससे कम पावर है 1, इससे कम पावर है 0, मीन्स आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये तीन पावर्स के टर्म्स आने चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे तो ये हो गया स्क्वायर का टर्म, दैट इज़ पावर 2 का टर्म, ये पावर 1 का टर्म और ये पावर 0 का टर्म, एक्स पावर 0 का टर्म, ओके। तो अब तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका आपको साइन भी कंसिडर करना है। जैसे अगर मैंने लिखा माइनस 2x स्क्वायर तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2, तो आपको ये साइन भी उसका ध्यान रखना है। दूसरा है एक्स की टर्म है बी एक्स, तो x के साथ है b, उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड लास्ट में है कांस्टेंट, जो कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कहेंगे सिंपली कांस्टेंट, उसको हम c से डिनोट करते हैं। अगर आपको ये तीनों नोटेशन समझ में आ गए कैसे करने हैं तो आपको पूरा चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इस पूरे चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो पहला एग्जांपल देखते हैं, इस पे एक बेस्ट जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, जिससे हमें पता चलेगा कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। देखो इसमें पहले आपको पूरे स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है, और मैं अपने वर्ड्स में बताऊँ तो मैं उसको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज में उसको कन्वर्ट करता हूँ। मीन्स जो कि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है उनको मैं अलग अलग करता हूँ। तो देखो ये पहला जो स्टेटमेंट है आपका, ये कंडीशन दिया है कि दे आर हैविंग 45 मार्बल्स टुगेदर, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन उनकी कब बनती है, दोनों से 5 मार्बल्स छूट गए, लाइक दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब उनकी जो नई कंडीशन है या उनके पास जो नए मार्बल्स है उनकी कंडीशन क्या बन रही है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स नाउ दे आर हैविंग इज 124। ओके, तो आपको इसमें समझ में आ गया, इसमें दो अलग अलग कंडीशंस दी है। आपको क्वेश्चन पहले समझ लेना है, आपको जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है उस क्वेश्चन को आपको पहले समझना होगा, तभी आप उसका क्वेश्चन आंसर दे पाते हो। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करते हैं, मिसइंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंग समझते नहीं है सही से और गलत आंसर निकाल देते हैं। अगर आप क्वेश्चन सही से समझ लेते हो तो आपको उसका आंसर भी सही आ जाएगा, क्योंकि आप उसको अच्छे से समझ के करोगे। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों मिलके उनके पास 45 मार्बल्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्बल्स जॉन हैव एंड मार्बल्स जीवंती हैव। सो दोनों के पास ये मार्बल्स है और उनकी एडिशन आ रही है 45। अब मुझे ये दोनों वैल्यूज़ पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, जॉन के जो मार्बल्स है उसको हमने एक्स कंसिडर किया एंड जीवंती के जो मार्बल्स है उसको हमने वाई कंसिडर किया। तो अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45। ओके, अब इसके आगे आपको क्या करना है, कभी भी इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 45 माइनस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन आपको है कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस किए, उनके पास जो थे वो गुम गए 5 मार्बल्स। अब नई कंडीशन क्या बनेगी, पहले जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, x मार्बल्स थे, जॉन के पास एक्स मार्बल्स से, अब इसके पास कितने रहेंगे, उसने 5 जो है लॉस हुआ, उसका 5 कम हुए हैं, तो अब उसके पास एक्स माइनस 5 रहेगा। सिमिलरली जीवंती के पास कितने मार्बल्स से वाई, तो अब उसके पास कितने मार्बल हो गए, वाई माइनस 5। ये कंडीशन समझ में आ गया। देखो उनके पास पहले एक्स मार्बल्स थे, जॉन के पास और जीवंती के पास वाई मार्बल थे, अब दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस किया हुआ है, तो यहाँ पे x माइनस 5 और y माइनस 5 ये हमारा नया कंडीशन आ गया है। अब देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है इसमें आपको एक मिल रहा है इक्वेशन y माइनस 5, और अब ये जो इक्वेशन है सपोज इसको हम नेमिंग करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, y की जगह पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y माइनस 5 है तो हम क्या करेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5, दैट इज़ y के जगह पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अब देखो दोनों जगह पे मीन्स मार्बल्स जॉन हैव एंड द मार्बल्स जीवंती हैव आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अब दोनों वैल्यूज हमें किसके टर्म्स में आ रही है, x के टर्म में। जॉन का आ रहा है x माइनस 5 और जीवंती का आ रहा है 40 माइनस एक्स। ओके, अब सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है हमें, यही कंडीशन इसका ही एक्सटेंशन दिया है कि उन्होंने जब 5 मार्बल्स ईच लॉस किया तो जो भी मार्बल्स उनके पास आ रहे थे उसका प्रोडक्ट है 124। उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। मीन्स अभी उनके पास जितने भी मार्बल्स हैं दोनों मिलके उन दोनों मार्बल्स का मल्टीप्लिकेशन है 124। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज़ है दैट इज़ x माइनस 5 एंड y माइनस 5, दैट इज़ x माइनस 5 एंड y माइनस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 124। बट x y माइनस 5 के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 40 माइनस x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रोडक्ट रहेगा x माइनस 5 ब्रैकेट y 40 माइनस x इक्वल टू 124। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे टर्म बाय टर्म तो x इंटू 40 माइनस x एंड माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, तो ये आएगा x इंटू 40 एक्स इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर
देन आएगा माइनस फाइव इंटू प्लस 40 माइनस 200 एंड माइनस फाइव इंटू माइनस एक्स माइनस सॉरी प्लस 5x। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स आपको दिख रही है, कोई दिख रही है? यस, लाइक टर्म है 40x एंड 5x। देखो यहाँ पे पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये है 1 और ये कांस्टेंट नंबर, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, बट ये दोनों जो है 40x और 5x इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 40x प्लस 5x बन जाएगा 45x, यहाँ पे x नहीं लिखा, 45x माइनस 200 माइनस 124। तो मैंने उसको फिर से लिखा यहाँ पे, तो ऐड करके दोनों को, दैट इज़ माइनस 200 माइनस 124, इन दोनों का एडिशन आएगा माइनस 324। और अगर हम इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस गिवन इक्वेशन को, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस 45x, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। अब देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसका, सबसे पहले आनी चाहिए एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर बाद में आनी चाहिए एक्स की टर्म, और फिर आनी चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो ये आ गया, देखो एक्स स्क्वायर की टर्म, ये एक्स की टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। अब वैल्यूज़ लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ, अगर कंपेयर करोगे तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखो इसके साथ कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है, इसको देखो बी ये आ रहा है यहाँ पे माइनस 45x, तो ये प्लस बी होता है, तो ये क्या आएगा माइनस 45, दैट इज़ x के साथ जो भी नंबर रहेगा साइन के साथ आपको कंसिडर करना है, तो b आएगा माइनस 45 और c आएगा 324। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब देखो आपको हर बार कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करो, ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी आप a, b और c इन तीनों की वैल्यूज आप फाइंड करोगे। इसका रीज़न ये है, इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको a, b और c की वैल्यू आपको समझ में आ गई कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, स्प्लिट द मिडल टर्म का जो मेथड है, फैक्टराइजेशन का मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग का मेथड है, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा अगर आपको ये a, b और c की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पता है आपको डोंट से दे आर लकी मीन्स, जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी, करेक्ट? आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है, ठीक है? चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज़।